चर्च अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना मतलब कल दिन भर क्या कर रहे हो? कल तो ऑफिस है, वीकेंड सपोर्ट उसके बाद कौन आप टूटते बस हा? कौन कौन जा रहा है? हम दोनों गया ना कुछ तो यूरोप में। हाँ हर जगह वही हाँ कुछ तो भी तको पुराना चीज है लेकिन आर्किटेक्ट कितना सुंदर है अभी तक भी है। सोचो तब के जमाने में ये सब बना देते थे और अब के जमाने में हो नहीं पाता लोगों से, सारे साधन टेक होने के बावजूद। ये देखो ये वाला सही है भाई। अरे मैं उस तरफ से आ रहा था, कौन सा लव ब्रिज और नेक्स्ट ब्रिज में जो बीच में गया था ना। अरे क्या मस्त, मतलब फुल पूरा लाइट ग्रीन के पेड़ पौधे से उग रहे हैं, पूरा ले लगा। और दूसरे तरफ रास्ते से गया हूँ जहाँ पर मेट्रो या कुछ लगता है। ये घर भी अच्छा है, मजा आता होगा रहने में। बहुत पुराना लेकिन पता चला थोड़ा मेंटेन करता था अच्छा। स्टिल साला अच्छी खासी वो वैल्यू होगी इस प्रॉपर्टी की। क्या है माउंटेन ही है कुछ ना? नहीं नहीं ये वो वाला है, क्या कहते किधर जाता है नहीं भूल गया मैं नाम, क्राकस के लिए उधर है लेफ्ट साइड। अच्छा ये पार्क अच्छा। यहाँ से चलो उस तरफ से ब्रो कब से खा रहे हो? कब से खा रहे हो?
संडे इसमें कॉलम ना होता शाम में हाँ उस दिन आओ डिनर भी कर लेना अगर कुछ मस्त बनाऊंगा तो डैंडेलियंस कितने दिखते हैं यहाँ पर हर जगह मजा आता है देख के शुक्र करो मेरा एलर्जी कम हो गया आपको उससे एलर्जी है मतलब पोलन से है अच्छा पोलन डस्ट सब मिक्स है क्या है सब ऐसे ही देखते हैं नीचे अरे 360 सोच रहा था लेने के लिए बहुत पैसे क्यों 2500 हाँ तो क्या तो क्या बहुत पैसे महंगा है अरे अभी नहीं खर्च करोगे अपने शौक पे तो कब करोगे बताओ किसे राइट राइट किसी का नौकरी हो जाए बस मैं तो ड्रोन ही सोच रहा था खरीदने के लिए लेकिन बहुत जगह पर उसका जो रिस्ट्रिक्शन हाँ वही जो त्याप है मैंने भी कितने बार सोचा इवन सेकेंड हैंड सोचा था मैंने लेने का तो डील अच्छी मिल रही थी बट देन वही सोचा कि यार रेस्ट्रिक्शंस है हर जगह नहीं पब्लिक एरिया में उड़ा सकते हो हाँ बट उतना काफ़ी है भाई उतना जो व्यू आता है बहुत काफ़ी है इवन तत्रा माउंटेन्स के ऊपर हम चला सकते हैं ओह मून फ्लावर नहीं ये अलग है कुछ मून फ्लावर नहीं है ये अलग है कुछ मून फ्लावर ऐसे एक कुत्तो बिल्ली फोटो खींच लो ब्रो हैरी पॉटर में कोई तो बिल्ली वाला है ये तो पता नहीं क्या है मतलब वेयर हाउस है क्या दो गाड़ियां खड़ी है अंदर इसके स्टेयर्स अच्छे लगे मुझे एंड देन पीछे काफी एरिया है आगे नहीं छोड़ा है ज्यादा तो पीछे छोड़ा है पार्किंग के लिए अरे बीच में ग्रिल है वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है डिवाइडेड एपेक्स डेंट ये क्या कंपनी चला रहे हैं यहां तो ये तो वो है ब्रो तो मैं तो लोग गया क्या होता है हां हां अरे यार भूल गया डॉक्टर वाला हां डॉक्टर वाला ही है कुछ स्पेशल तो बच्चों का स्कूल ये हमारे बच्चे सब यहीं जाते होंगे शुगर मॉमी बनना चाहेगा आपका तो आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे नहीं यार अभी मतलब नीड नहीं है ना मतलब शुगर मॉमी किस लिए पैसे के लिए तो नहीं चाहिए किसी का वो तो मेरा थॉट प्रोसेस है कोई पार्टनर बनना चाहे तो ठीक है आई कैन बराबर है बराबर है ओ रहा स्क्रैक का सपना घूम के आए ना ऐसे ही ट्रैम जाता है थोड़ा से उतर के ऐसे घूम घूम के कोरोना होके जाता है
को कोरोना में उतरना पड़ता है चेंज करने के लिए। उधर से स्टेशन है बहुत कोर्स से क्राकू ये व्यू लेना है तो मेरे घर के पास ले ये वाला है। M1 और सेल्ग्रोस उधर ही कौन सी बाइक ओह बाइक देखो चलेगा मेरे को ये चलाने दे देंगे इसको क्यों मेरे को बस टू व्हीलर 25 सीसी तक दिए हैं पूरा बस बोले बच्चा है तू अभी मेरे पास थी ये बेच के आया मैं आने के पहले कोई चलाने वाला नहीं था और सबको मेरा भाई भी होम टाउन में चला गया मैं जब यहाँ शुरू हुआ था उधर तो रास्ते ही नहीं है चलाने का ऐसे ही रास्ते पे पहुँचेंगे ये उधर ये ये तो ऊपर जाएगा ब्रो ब्रिज से ही ऐसा घूम के नीचे आ रहा है जाना उसी रास्ते से अभी जहाँ से पहले गए हो आप देखो कंप्लीट फैमिली अभी प्रायोरिटी वाली घर के अंदर चलो यहीं से हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ ये रास्ते से हाँ जब जब पहली बार आया था इधर ना और रात को रात का 9-10 बज ही गए हैं तो 9-10 मतलब कोई नहीं रहता ना और लोग भी सो जाते हैं रेसिडेंशियल एरिया क्या हो तो है भाई मैं उतरा ग्रे बियर्ड के साथ कांड पड़ गया अभी सब और उसी दिन क्या था उससे दो दिन पहले ये था उसमें था यहाँ का जो फेस्ट होता है ना हाँ वो ग्रे बियर्ड में मतलब वो हाँ समझा ये भी लगा के मतलब कैंडल्स लगा के पूरा ऊपर चमक रहा है बहुत मेरे को लगा मेरे को कोई पीछे और सामने वैन खड़ा था और मेरा डरने का मेन वजह है आगे की वैन ठीक है वैन से तीन बार देखा कोई नहीं था तो जब वैन के पास पहुंचे एक लड़की निकल गई मेरा और फटा हाँ ना ऊपर देखो धूप भी मस्त है ये सिंथेटिक नहीं पहनना था यार गर्मी हो रही है Thank you.
हाँ ज़्यादा धूप नहीं ज़्यादा छांव नहीं ए क्या कर रहे हैं रिल कर रहे हैं ओ यहाँ से कितना सही दिख रहा है ये वहां कुछ चल रहा है बलून्स वगैरह लगे हुए नाराबाजी चल रहा था वो भी नहीं इधर नहीं रहना है बहुत लफड़ा लग रहा है क्योंकि 10 वैन है पुलिस के और लफड़ा चल रहा है गाना वाना ऊपर भी फोटो भी है कौन सा डे आई डोंट नो ये भाई पुलिस ये है क्वारी रिजर्वर जो हमारा वहाँ पे ना बट यहाँ पे सूखा वाला है जो फ्लैट
पीस है ना, तो वहाँ पे हम टेलीस्कोप हमेशा डालते हैं, मतलब जो ऊपर वाला फ्लैट है ना वहाँ पे, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों का मर्ज होता है ये पॉइंट। देखो पेंटिंग बनाया है उसने, क्या बनाया है बच्चे, यहाँ पे हम डालते हैं क्या, सबको लगेगा सनराइज हो रहा है अभी जब देखेंगे इतने सारे बेड़े, हाँ सनसेट हो रहा है। देखो देखो कैसी चिपक रही है, बर्थडे पार्टी वगैरह मनाए हैं लगता है वहाँ पर। अच्छा है ना, गधे हम कर सकते हैं यहीं पर ऐसे छोटी मोटी पिकनिक टाइप वीकेंड वगैरह पे ट्रिलर ला के। हाँ सनसेट हो गया, सनसेट अभी कहाँ होगा, 9 बजे होगा। अरे बंदा फोटो खींच रहा है, खींच ले बेटा खींच ले, चलो पार्टी करने चलते हैं, वही के खिलाफ बोलेंगे वही ना, विश किया है भाई। अरे अभी इस साइड से उतरना है, उस साइड से भी चलो, यहीं से चलते हैं, उधर से तो आ चुके हैं। उस दिन तीन लड़कियाँ थी, मतलब बाकी सारे थे, तीन लड़कियाँ थी, एक लड़की का मतलब हाइस में कट्स और बाइसेप्स मतलब मेरे से तीन गुना ज़्यादा था, मेरे से तीन गुना ज़्यादा था,
तक तो फुल इम्प्रेस उसको देख के, मतलब आंटी थी, आंटी थी लेकिन फुल, मतलब इतना परफेक्ट में नहीं देखा, और दो लड़के थे दो ऐसे करिए तो यहाँ भी बैठ सकते हैं देखो। अरे बहुत जगह है बहुत जगह है, डस्टबिन में बाजू में यही बनाएंगे हम। हाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट को देख के आज पापा से बात हो रहा है। हाँ पापा ऐसे टाइम में हो जैसे आप ज़्यादा टाइम इधर स्पेंड कर सकते हैं। जून जुलाई वगैरह में, और मैंने बोला आप लोग के लिए अच्छा है मार्च में आना है। बारिश नहीं रहेगी ब्रो मार्च में, इस साल तो वही था पूरा ठंडा ठंडा ठंडा। इस ये टाइम नहीं तो अच्छा है अप्रैल में जून, तो अभी अभी तो धूप ये सब पूरा स्टार्ट हुआ है, वरना पिछला पूरा महीना तो बारिश में ही निकला है देखा जाए, पूरा ग्लूमी वेदर रह रहे के बारिश। समर टाइम में आप बोल रहे आने के लिए पिक समर? हाँ मई जून अभी तो थोड़ा समर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वही बोला, मैंने बोला और उम्मीद मत रखो समर में मैं वापस जाना है उधर, इंडिया तो समर में नहीं जाऊँगा भाई, बोला बोला पूरा घर ही सेंट्रलाइज ऐसी कर दूंगा। अच्छा बोले और मुंबई में है सोचो कैसा घर। अरे यार वहाँ के मुंबई का गर्मी मेरे को बिल्कुल नहीं पता, इतना चिप 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 होता है ना। छी हम लोग का भी रहता है ना उधर भुवनेश्वर में, तो वैसा ही क्योंकि कोस्टल एरिया है ना। हाँ मेरे को नहीं सहा जाता ब्रो, एक दो बार ये फ्रेंड से मिलने गया था, छी मतलब इतना चिप चिप। अब क्या करें, घर निकल ले अपने अपने, क्या प्लान है क्या कुछ क्या कर सकते हो, या कल परसों कहीं मिल जाएंगे, कल कुछ प्लान है? कल तो कुछ नहीं है मेरा, बस वही बैडमिंटन खेलने जाऊंगा कितना दोपहर में, बस वही है। मेरे भाइयों से मिलके जाओ, ये आपके भाई ये तो स्वर्ग में होंगे ब्रो। कहाँ स्वर्ग में, सब नरक में नरक वाले रात में दिखेंगे शायद। अरे बहुत प्यारा है यार, मतलब गेट बंद देखा कौन में, दिवाली में बस थोड़ा पूजा होता है और मतलब ऐसा फैंसी नहीं होता है, लेकिन और कहीं पे भी जाओ मतलब जिसको दफनाया जाता है बहुत फैंसी से होता है। मोरक्को या मैक्सिको में तो भाई कपड़े वपड़े पहना देते हैं,